के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे ई व्यवसाय के लाभ। हम इंटरनेट के माध्यम से जो क्रय विक्रय के काम में लगे हैं, है ना, तो उससे हमें क्या फायदा है, तो कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिससे हम जानेंगे। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, निर्माण में आसानी एवं निम्न निवेश आवश्यकता है। आसानी से हम इस काम की शुरुआत कर सकते हैं और कम पैसों से कर सकते हैं। दूसरा, सुविधापूर्ण। अब सुविधापूर्ण कैसे है, ये तो इसकी डिटेल से हमें पता चलेगा। समय की बचत कैसे हो रही है, ये भी इसकी डिटेल से पता चलेगा। वैश्विक पहुंच, क्या इसमें केवल हमारे देश या विदेश तक हमारी पहचान है या नहीं है, ये भी इसकी डिटेल से पता चलेगा। और लास्ट है, कागज रहित समाज की ओर संचालन, कैसे ये कागज पे ऑर्डर लेना, फिर वापस उसको बिल बनाकर देना, ये सबको बंद करके आगे बढ़ गया है नेट के माध्यम से, आज कंप्यूटर तक आ गया है या मोबाइल में आ गया है। तो ये सब बातों का अर्थ इसकी डिटेल से समझेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक एक करके हम सभी को जानेंगे। तो देखो क्या लिखा है, पहला, निर्माण में आसानी एवं निम्न आवश्यकताएं क्या है इसके अंदर। देखो, एक उद्योग की स्थापना के लिए प्रक्रियागत आवश्यकताओं के विपरीत ई व्यवसाय को प्रारंभ करना आसान है। नॉर्मली अगर हम किसी शॉप के बारे में सोचते हैं, तो या तो फिर हमें वो बनानी पड़ती है या फिर हमें रेंट से लेनी पड़ती है। तो ई व्यवसाय में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो आपको कोई दुकान वकान की आवश्यकता है, ना कोई आपको उसमें फर्नीचर वर्नीचर की आवश्यकता है, आपको केवल एक मोबाइल या एक कंप्यूटर और इंटरनेट की आवश्यकता है, ठीक है। इंटरनेट तकनीक का लाभ छोटे अथवा बड़े व्यवसाय को समान रूप से पहुँचता है। यहाँ तक कि इंटरनेट इस लोकप्रिय उक्ति के लिए भी उत्तरदायी है कि नेटवर्क से बंधे व्यक्ति फर्में नेटवर्क व्यक्तियों से ज़्यादा कुशल होते हैं। क्या बोला वो, कि आज जो व्यवसायी जो किसी शॉप के माध्यम से या अपना छोटा व्यवसाय कोई भी शुरुआत करके जो पैसा कमा रहे हैं, तो उसके कंपेयर में, उसकी तुलना में इंटरनेट के माध्यम में ज़्यादा बेनिफिट है, कि इसकी समझ लोगों को ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि अरे जो समय को बचा रहा है हमारे, हम कहीं पर जाते हैं सामान खरीदने तो हमें 5 से 10 मिनट लग रहे हैं केवल 2 मिनट के काम के लिए, तो वही वो 2 मिनट का काम हम ई व्यवसाय से कर ले। होता है ना, हम कहीं गए जैसे कपड़े खरीदने ही गए, तो वहाँ पे ऑलरेडी कस्टमर होते हैं, पहले उनसे फ्री होंगे, इतने में आधा घंटा खड़ा रहने पड़ा, फिर हमारा नंबर आता है तब हमें वो 10 तरह की वैरायटी दिखाता है, तो वहीं आधा घंटा हमारा वेस्ट होता है। तो ऐसे इन सब कामों की बचत किससे हो रही है, ई व्यवसाय से। इसमें हमारे सामने सभी प्रकार की साइट, सभी प्रकार की कलर डिज़ाइन वगैरह सब होती है, तो हमें जल्दी से उसका सिलेक्शन करना होता है और हमारा ऑर्डर करना होता है, ठीक है फ्रेंड। तो क्या बोला, निर्माण में कैसी है, इसमें निर्माण में आसानी और निम्न आवश्यकता है, कम पैसों में इस व्यवसाय की शुरुआत की जा सकती है, और कम पैसे के जिसके पास पैसा नहीं है वो भी इस काम को कर सकता है। आज घर बैठा ऐसे काम हो रहा है कि अनेक कंपनियां अपने क्या करती है, ऐसे एजेंट को नियुक्त करती है जो क्या करती है, उनके प्रोडक्ट को आगे ग्रुप में डालती है और फिर हर एक ड्रेस पे 50-100 रुपए ऐसे कमा के लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखो, सुविधापूर्ण। अब कैसे ये हमारे लिए सुविधापूर्ण है, देखो जरा, इंटरनेट 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन और वर्ष के 365 दिन व्यवसाय को सुविधा प्रदान करता है। इसमें चीज़ें खत्म नहीं होती है, इस तरह की लो संगठन के कर्मचारियों को उपलब्ध होती है, जिसके द्वारा जब वह चाहे जहां वह चाहे अपना कार्य कर सकते हैं। हाँ, ई व्यवसाय सही मायनों में इलेक्ट्रॉनिक तथा समर्थित एवं संबंधित व्यवसाय है, जो किसी भी वस्तु की किसी भी समय और कहीं भी सुलभता के लाभ प्रस्तावित करता है। क्या है ये, 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन और वर्ष के 365 दिन अवेलेबल काम करता है, कभी इसकी दुकान बंद नहीं होती है, और इसमें प्रोडक्ट आज नहीं तो कल आपको मिल ही जाता है। तो वो बोला गया है कि एक पल के लिए दुकान कभी हमको बंद मिल जाए, लेकिन ई कॉमर्स या ई व्यवसाय के माध्यम से जब हम कोई खरीदी बिक्री करते हैं तो उस पर 24 आवर्स मार्केट ओपन रहता है, क्योंकि एक नोटिफिकेशन की बेस से इसमें काम होते हैं फ्रेंड्स। एंड लास्ट है इसमें, समय की बचत। हमारा समय कैसा बच रहा है, जो हमने भी जाना है कि हमें कोई मोल भाव नहीं कराना है, ना कोई चुनाव में इतना समय लगाना है, सब कुछ जल्दी हो जाता है इसमें। तो ई कॉमर्स से ग्राहक को वस्तु क्रय करने के लिए बाजार में घूमना नहीं पड़ता, घर बैठे ही उसे वस्तु की जानकारी प्राप्त हो जाती है। ई कॉमर्स से विक्रेता एवं क्रेता दोनों के समय की बचत होती है, विक्रेता को भी किसी प्रकार का बिखेरा नहीं करना पड़ता कि भाई ये लो वो लो, और क्रेता को भी कोई माता बच्ची नहीं करना किसी भी कस्टमर से, सिंपल सा तो खरीदा और लिया, ठीक है, और कोई मोल भाव नहीं, जो रेट है उसी रेट में मिल जाती है। जबकि अपन शॉप पे जाते हैं तो वहां कितना
डिफरेंस आ जाता है क्रेता विक्रेता इन दोनों के बीच में, ठीक है। एंड लास्ट के दो है जिसमें पहला लिखा है वैश्विक पहुंच या प्रवेश। आज इस ई व्यवसाय में व्यक्ति क्या कर रहा है, संपूर्ण विश्व में खरीदी कर रहा है, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहा है, किसी भी देश की वस्तुओं को क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है। तो ई व्यवसाय से आज हमारे देश के नागरिक केवल हमारे देश की वस्तु नहीं बल्कि विश्व स्तरीय वस्तु का भी उपभोग कर रहे हैं। तो इंटरनेट सही अर्थों में सीमा विहीन है, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, हर एक चीज की बाउंडेशन होती है, लिमिटेशन होती है ना, जिसको हम फॉलो भी करते हैं, लेकिन यहाँ इंटरनेट की कोई बाउंडेशन कोई सीमा नहीं है। एक तरफ यह विक्रेता को बाजार की वैश्विक पहुंच प्रदान करता है तो दूसरी तरफ यह क्रेता को संसार के किसी भी हिस्से में उत्पाद चयन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह कहना कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि इंटरनेट की अनुपस्थिति में वैश्वीकरण का कार्यक्षेत्र तो प्रगति काफी हद तक प्रतिबंधित हो जाएगी। इंटरनेट की अनुपस्थिति में ये अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, अतिशोक्ति नहीं है। आज इंटरनेट है जब जाके अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। एंड लास्ट है फ्रेंड इसमें कागज रहित समाज की ओर संचालन, यहाँ पे संचलन है, संचालन आएगा, ठीक है। तो इंटरनेट के प्रयोग ने काफ़ी हद तक कागजी कार्रवाई और परिचय लाल फीताशाही पर निर्भरता को कम कर दिया है कि पहले ऑर्डर लिखवाना फिर बिल बनाना, तो ऐसे आज भी व्यवसाय में होते हैं, लेकिन आज इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एक सेकंड में काम हो जाता है, जहां आधा घंटा लगता है वहां 5 मिनट लग रहा है। तो कुल मिला के ये हो जाते हैं ई व्यवसाय के लाभ कि ई व्यवसाय आप इंटरनेट के माध्यम से जो व्यवसाय करते हो, जो क्रय विक्रय करते हो, जो पैसा कमाते हो, तो उसके साथ साथ आपको और भी क्या फ़ायदा है। तो आपको 24 घंटे वस्तुएँ मिल रही है, ठीक है, हमेशा ये बाजार खुला ही रहता है, इसके संचालन में किसी प्रकार के खर्चे की आवश्यकता नहीं होती है, समय की बचत होती है, हम हमारे देश की नहीं बल्कि विश्व स्तर की वस्तु को भी खरीद सकते हैं, और इसने कागज प्रणाली को खत्म कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर किसी भी पॉइंट में डाउट होता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।